दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम अपने कंप्यूटर का जो फ्रंट कैमरा होता है उसको उसकी रिप्लेस हम अपने मोबाइल का कैमरा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर, और जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके सीधा आप इस पेज पर पहुँच जाओगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ से सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके हम जो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को तो आपके डेस्कटॉप पर एक फोल्डर के रूप में एक आइकॉन, जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हो, आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरह का आइकॉन बन जाएगा। तो इस पर हम डबल टैप करेंगे और इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद दोस्तों इस तरह का जो इंटरफेस आपके सामने इस एप्लीकेशन का होगा, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके दोस्तों ये सेम ऐप है जो यहाँ पे मैंने सर्च की हुई है, ड्रॉइड कैम वायरलेस वेबकैम, हमें इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, जिस मोबाइल का कैमरा आप अपने पीसी से अटैच करना चाहते हो। हमें करना क्या है, अपने मोबाइल का जो वाईफाई आईपी एड्रेस है अपने पीसी के अंदर यहाँ पर हमें फिल करना होगा, और जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो कैमरा है हमारे पीसी से अटैच हो जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ से आपको लाइव देख सकते हो, अगर आपको वेबकैम की ज़रूरत है बट आपके कंप्यूटर का जो कैमरा है उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट और बेटर तरीका है नए वेबकैम लेने से बेटर। ओके दोस्तों, अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।